नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। फरीदाबाद की तहसील काठ सभागार में काठ उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता व तहसीलदार ने कानून गोवा लेखपालों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की, जिसमें काठ तहसील अंतर्गत आने वाले सभी कानून गोवा लेखपाल मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता ने लेखपाल व कानूनगोर से कहा कि जनता के कार्य में किसी तरह की हिलाहवाली न करें, तुरंत समाधान करें। सुनिए क्या कुछ कहा उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता ने। सभागार में जो मीटिंग चल रही थी, किस संबंध में चल रही थी? ये समीक्षा बैठक है जो हम लेखपालों के साथ करते हैं और अपने कानून लोगों के साथ करते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारी विभिन्न कार्य चल रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे जल जीवन मिशन ले लें, उसके तहत हमें पानी की टंकी के लिए ज़मीन अवेलेबल कराना है, ठीक है। इसी तरीके आप देखेंगे तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो हम ज़मीन अवेलेबल कराएंगे, खसरा फीडिंग ऑनलाइन हो रही है, तो इन सब चीज़ों की समीक्षा साप्ताहिक समीक्षा है। हर मतलब आप देखेंगे हर वीक में हम एक दिन रखते हैं इसके लिए। लेखपालों को और भी कोई काम सौंपा गया? लेखपालों को जैसे आप देखेंगे तो राशन वितरण में भी उनको लगाया गया है कि है ना सत्यापन करें वहाँ पर, है ना, 3 स्टेप जो है सत्यापन चल रहा, तो उसमें स्टॉक का जो है सत्यापन करना लेखपालों को सौंपा गया है। और भी लेखपालों को ये बताया गया है क्योंकि आगामी जो है चुनाव को देखते हुए अगर कहीं से उनको आसूचना मिलती है, इंटेलिजेंस मिलता है कि कुछ वैसी खबर है, तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करेंगे ताकि कानून व्यवस्था भी बनी रहे हमारी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।